तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय थर्ड वीडियो। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शंस जो टाटा नेक्सॉन में मिलता है। तो ये है ब्लूटूथ ऑप्शन, जो जब आप अपना मोबाइल कनेक्ट करना चाहते हो ब्लूटूथ को, ये वाला बटन क्लिक करके आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड ये वाला है कॉल पिकअप ऑप्शन, ये वाला क्लिक करके आप कॉल पिकअप कर सकते हो। एंड ये वाला कॉल डिसकनेक्ट, और ये जो है ऑप्शंस, ये है मीडिया का ऑप्शंस है। ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम में, वॉल्यूम आप ऊपर करेंगे तो वॉल्यूम अप, नीचे करोगे तो वॉल्यूम डाउन। एंड ये वाला बटन क्लिक करोगे तो म्यूट एंड अनम्यूट ऑप्शन है। एंड ये वाला है चैनल सामने में, फॉरवर्ड चैनल, बैकवर्ड चैनल। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, हॉर्न, हॉर्न आप यहाँ से नहीं बजा सकते हो, यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा हार्ड, तभी हॉर्न आएगा। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा डिजिटल क्लस्टर का ऑप्शंस, अगर एक क्लिक करोगे तो वहाँ पे चेंज होगा ऑप्शंस। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ व्हीकल नेविगेशन मीडिया, ये वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा तभी चेंज होगा। एंड ये है क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन। एंड ये है व्यू, डिफरेंट व्यूज, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिफरेंट व्यूज मिलता है, तो वो वाला यूज़ करने के लिए ये वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं व्यू चेंज होगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आपको बीच में टायर प्रेशर एंड राइट साइड में स्पीडोमीटर एंड लेफ्ट साइड में गियर लीवर का ऑप्शन दिख रहा है न्यूट्रल। अगर फिर से क्लिक करूँगा तो लेफ्ट साइड में टायर प्रेशर, बीच में स्पीडोमीटर, राइट साइड में रेंज, कितना फ्यूल बचा है वो ऑप्शन, ऐसे ही ये वाला व्यू ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हो। तो एंड यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ डिज़ाइन मिल जाता है टाटा के साइड से। तो ओवरऑल मुझे बहुत ही पसंद आया ये वाला ऑप्शन जो अपने को दिया है। एंड एक्सेप्ट ये वॉइस कमांड सभी कुछ प्रॉपरली वर्क करता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सनरूफ, ये यहाँ पे आपको मिल जाता है इमरजेंसी का SOS। एंड लाइट, LED लाइट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एयरबैग इंडिकेटर इंडिकेशन बताता है ऑन है कि नहीं है। तो अगर ये वाला हम पीछे करेंगे तो ये सनरूफ खुल जाएगा। एंड फिर से ये वाला सामने कर देंगे तो सनरूफ क्लोज। एंड ये वाला ऑप्शन से हम सनरूफ ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कभी कभार वर्क भी नहीं कर रहा है, वॉइस कमांड ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मैं मैनुअली प्रीफर करता हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है। चलो आपके सामने मैं ट्राई करता हूँ अगर ओपन होगा कि नहीं वॉइस कमांड के साथ सनरूफ। ओपन सनरूफ, ओपन सनरूफ, चलो ओपनिंग सनरूफ। देखो आप ओपन कर दिया, इस बार ठीक से रीड कर लिया कमांड, तो फिर से चेक करते हैं। क्लोज सनरूफ, ये बार भी क्लोजिंग सनरूफ। चलिए ठीक से रीड कर लिया कमांड, एक एक बार ठीक से रीड नहीं कर पाता है तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है, इसीलिए हमें मैनुअली प्रीफर करता हूँ ओपन एंड क्लोज सनरूफ का। एंड ये है अपना लाइट का ऑप्शंस, अगर ये आपको एरो दिख रहा है तो इसके हिसाब से हम लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये है ऑफ में है, लेकिन DRL कभी भी ऑन रहता है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो इसको अगर आप ये करोगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन हो जाएगा, मतलब ये ऑटोमेटिक ही आपको लाइट्स ऑन दिखा देगा, ऊपर नीचे करने का ऑप्शन ज़रूरत नहीं है। एंड ये है नॉर्मल लाइट का ऑप्शन, जो कि फेस फॉरवर्ड करेगा,
ए वाला भी है ऑप्शन, जो कि ऊपर नीचे करने का ऑप्शन मिलेगा अपने को राइट का। एंड यहाँ पे जो है ऑप्शंस 1 2 3 4, जो अपना हेडलैम्प रहेगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अपना अकॉर्डिंगली व्यू सेट कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन ये है एंड इसको ऑफ में रखते हैं हम, ये वाला ऑप्शन को, ठीक है। एंड ये तो आपको पता ही होगा, इस ऐसा करेंगे तो लेफ्ट इंडिकेटर, नीचे करेंगे तो राइट इंडिकेटर, बीच में करेगा तो नॉर्मल। तो यहाँ पे आ जाके वाइपर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, ये पीछे का वाइपर वाइपर है, ये वाला ऑटोमेटिक स्लो वाइपर, ये फास्ट वाइपर, देखो आपको सामने दिख जाएगा। तो ये है ऑप्शंस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा।